गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स में मैथ्स की एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम, यानी कि आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए, आपको 3/10 प्लस 7/15 दिया हुआ है। 3/10 प्लस 7/15, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। आपका जो ये डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, उसको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, यानी कि 10 का और 15 का। हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया, हमारा आंसर आ गया 30। अब देखिए, हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि 30 और 30 करना है। उसके लिए हमें 3/10 में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 7/15 में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमारा आंसर आ जाएगा 9/30 और 14/30। तो 9 और प्लस 14 को ऊपर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23/30। इसी तरीके से आपको इसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही इसका सी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। इसमें आपको डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। देखिए, आपको क्या दे रखा है, 2:4/5 माइनस 1:5/1/5। तो देखिए, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, इसमें हमें डिनोमिनेटर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 5 की 2 से मल्टीप्लाई और फिर 4 को प्लस, इसमें 1 की 5 से मल्टीप्लाई फिर 1 को प्लस। तो अब के क्या, 5 2 10 और 4 14, देखिए 14/5 और 1 5 5 और प्लस 1 यानी कि 6, यानी कि 6/5। इसका डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने चेंज नहीं किया, तो 14 में से हमने 6 माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 8/5। इसी तरीके से आपको इसका बी पार्ट भी सॉल्व करना है और सभी पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में प्लस आ रहा है तो प्लस कर दीजिए और माइनस आ रहा है तो माइनस कर दीजिए। इसमें आपको तीनों ही डिजिट को प्लस करना है, तो पहले आप तीनों ही डिजिट का एलसीएम लेंगे, यानी कि 7, 5 और 3। 7, 5 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 105। तो आप अब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि 105 करेंगे सबका। तो 7 को करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, 5 को करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई और 3 को डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए 35 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, 15 1 से 15, 21 2 जा 42 और 35 1 जा 35। अब 15, 42 और 35 हमारा आ गया है और डिनोमिनेटर सबका सेम है 105। तीनों को प्लस किया, हमारा आंसर आ गया 92/105। इसी तरीके से आपको इसके सिंप्लीफाई के सभी पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड 2:6:7/15 टू गेट 8:1/5। तो लेट द नंबर, आपको ये बताना है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये वाली डिजिट प्राप्त हो जाए। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने लेट कर लिया, नंबर जो है वो x है, तो x प्लस 6:7/15 इज इक्वल टू 8:1/5। तो देखिए, हमने ये बराबर के इधर जाएगा तो एक चीज़ का बन जाएगा, हमारा ये माइनस का बन जाएगा। तो हमने माइनस करेंगे, 8 5 जा 40 और 1 41 41/5 और 15 6 जा 90 और 97 97/15। फिर हमने एलसीएम निकाला 5 और 15 का, 15 आ गया। और फिर हमने इसका डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 41 की मल्टीप्लाई 3 में और 97 की 1 में करके हमारा आंसर आ गया 123 और 97। तो 123 और 97 को माइनस किया तो 26/15, दैट इज आंसर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3:5/9 एंड 3:1/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5:5/6 एंड 4:1/9। यानी कि पहले आपको इन दोनों नंबरों को प्लस करना है, फिर इन दोनों फ्रैक्शनों को प्लस करना है और फिर दोनों के आंसर को माइनस करना है। तो देखिए, पहले हमने प्लस किया एलसीएम लेके, एलसीएम लिया 3 और 9 का, 9 आ गया। फिर हमारा डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा आंसर आ गया इसका 62/9। ऐसे ही हमने इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ गया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 179/18। फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, 179/18 माइनस 62/9। फिर वही एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आया हमारा 18, डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 179 में से 124 को माइनस करेंगे तो 55, और इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3:1/18। इसी तरीके से आपको इसका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा क्या है और कितना बड़ा है। तो देखिए, 3/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से ही निकालेंगे हम, 3 की 7 में मल्टीप्लाई और 4 की 5 में मल्टीप्लाई।
तो 3 की 7 में की 21, 5 की 4 में की 20, तो यानी कि कितना आया 21 और 20 तो बड़ा 21 है, यानी कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/7। फिर उसके बाद बताना है कितना बड़ा है, तो माइनस करेंगे, एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद माइनस डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1/28, यानी कि वो 1/28 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए 7/8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर ब्रोकन इंटू टू पीस। ए के पास 7/8 लंबा एक तार है जिसको उसने दो भागों में बांटा है। एक भाग जो है उसका वो 1/4 मीटर है और दूसरे वाला पीस आपको उसका निकालना है। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी है 7/8, इट्स ब्रोकन इन टू पीसेस, यानी कि 1 कौन सा है 1/4, तो सेकंड इज यानी कि माइनस कर देंगे 7/8 में से 1/4 को, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किया और हमारा आंसर आ गया 5/8। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, मुकुल रोड 15:1/3 पेजेस ऑन हिज स्टोरी। मुकुल जो है एक स्टोरी लिखता है, वो उसके मतलब ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने पेजेस लिखता है वो 15:1/3 एंड सैटरडे में कितने लिखता है 17:7/12। तो हाउ मैनी मोर पेजेस डिड ही रोट राइट ऑन सैटरडे दैम ऑन फ्राइडे, यानी कि सैटरडे को वो फ्राइडे से कितने ज़्यादा पेज लिखता है। तो मुकुल जो है वो स्टोरी लिख रहा है, ऑन फ्राइडे को इतने लिखे, यानी कि पेजेस कितने हो गए 46/3। मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ऐसे ही सैटरडे वाले को हमने चेंज कर लिया। तो मोर पेजेस राइट ऑन सैटरडे दैम ऑन फ्राइडे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। तो माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ गया हमारा 12। फिर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा आंसर आ गया 211-184/12 और फिर हमारा आंसर आ गया 27/12। देखिए 3 से कट गया ये, 3 4 12 और 3 9 27 और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2:1/4 पेजेस वो सैटरडे में ज़्यादा लिखता है। थैंक यू।